हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड, जो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब ये सीरीज थोड़ी आगे बढ़ने वाली है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कर दो इसे सब्सक्राइब यार। साथ बिना किसी और फर्दर डिले के वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड देखा था, हमारी कहानी आगे बढ़ती है लूसिटी की तरफ, जो हाँ डेविल और फेरी जो कि एक ही बॉडी को शेयर कर रहे होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि डेविल ने फेरी के लिए बॉडी का इंतजाम कर लिया होता है एक ऐसे वुमेन को ढूंढ के जो अब जल्द ही मरने वाली है। अब जो मरने वाली है उस लड़की का नाम होता है वांग चिंग, और उससे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो अपने पुनर्जन्म में एक गॉडेस थी। अब चूंकि उसने अपने पुनर्जन्म में कुछ ऐसा किया होता है कि एज अ पनिशमेंट उसे ह्यूमन रियल्म भेज दिया जाता है, और वो एक आम इंसान की जिंदगी बिता रही होती है जहाँ पे वो उस लू सिटी की प्रिंसेस होती है। अब उस लू सिटी पे कब्जा करने के लिए उसकी एनिमी कंट्री होती है वहाँ पे हमला कर देती है, और वहाँ उसी हमले को रोकने के लिए उस लू सिटी में वार की कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ जो हमारी फेरी होती है वो उस मरने वाली लेडी वांग चिंग पे थोड़ी दया दिखाती है और उसकी कंडीशन को ठीक करने बोलती है डेविल से, और यहाँ डेविल हमारी फेरी के बात मानते हुए उस एनिमी कंट्री की पूरी आर्मी को पल में ही धूल में मिला देती है। और आगे हम देखते हैं फेरी इसके लिए डेविल को अप्रिशिएट कर रही होती है, लेकिन तभी डेविल कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं अभी उस वांग चिंग को मार दूंगा, लेकिन उससे पहले उसे अपने लवर से मिल लेने दो। ये सुन के फेरी उस पे हो जाती है गुस्सा और उसे कहने लगती है कि अभी जब तुमने इतनी अच्छी चीज की है तो फिर सडनली तुम अपना माइंड क्यों चेंज कर रहे हो। जिस पे डेविल कहता है ना कि मैंने तुमसे बस इतना कहा था कि मैं उन लोगों को खुश कर दूंगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उसे मारूंगा नहीं। अब वो इस लू सिटी में होने वाले युद्ध से परेशान थी तो मैंने उसकी ये परेशानी खत्म कर दी। अब वो शौक से थोड़ी देर के लिए सही अपने प्रेमी से मिल सकती है, और ये बात कहते हुए डेविल कह रहा होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ना। और ये सुन के तो फेरी और भी ज्यादा गुस्से से उसे कहने लगती है कि तुम तो बस शब्दों से खेल रहे हो, और आखिर क्या ही बात है जो तुम इतनी बुरे तरीके से उसे मारना चाहते हो। आगे फेरी कह रही होती है कि जरूर कोई वजह है, तुम इसके लिए पहले डार्क वर्ल्ड गए, वहाँ से डेस्टिनी की बुक ली और अपने आदमी से कहा कि इस लड़की को ढूंढो जिसका नाम वांग चिंग है, और जैसे ही तुम्हें उस लड़की का पता चला तुम बिना कुछ सोचे समझे इस लू सिटी में आ गए, तो तुम आखिर चाहते क्या हो। आगे हम देखते हैं फेरी को उस वांग चिंग की तरफ देखते हुए, जो उसके साइज और उसके बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ देख के सोच रही होती है कि ये तो वही है जिसने हमने उस माउंटेन पे देखा था, जो कि उसी चमत्कारी शॉट डोंग फेंग की गॉडेस होती है। और हम यहाँ उसी गॉडेस ऑफ वॉर को देखते हैं जिससे हजारों साल पहले डेविल की लड़ाई हुई थी। अब इस वॉर के दौरान दोनों हार जाते हैं। अब चूंकि दोनों ही इमॉर्टल थे इसलिए वो मर नहीं सकते थे, और उनकी जो आत्माएं होती हैं एक अतिरिक्त जगह पे कैद हो जाती है। यहाँ फेरी सब कुछ समझ जाती है और फिर डेविल से कहती है तो ये वही गॉडेस ऑफ वॉर है जिसका पुनर्जन्म इस लड़की के रूप में हुआ है। आगे वो कहती है क्या तुम उस हजार साल हुए पहले वॉर का बदला लेने के लिए तुम इसके साथ ये कर रहे हो, और अब तो इसका पुनर्जन्म एज अ ह्यूमन हुआ है तो इसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं होगा, तो तुम्हारा बदला ये कुछ बचकाना नहीं लगता। जिस पे डेविल कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ। और तभी उन दोनों की नजर सामने पड़ती है जहाँ से उस वांग चिंग का लवर रैन आ रहा होता है। रैन को देखते ही वांग चिंग दौड़ते हुए उसकी तरफ जाके कहती है कि तुम इतने बीमार हो तो बिस्तर से क्यों उठे। आगे वांग चिंग उससे कहती है कि हमारी लू सिटी बच गई, अब इस पे कोई हमला नहीं होने वाला। आगे वो ये कहते हुए कि अब हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे वो रैन को हक करती है, और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। फेरी भी उनकी इस लबी डबी को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और डेविल से कह रही होती है कि आखिर तुम उसे कैसे मार सकते हो। डेविल को भी हम यहाँ थोड़ा उदास देखते हैं और वो कहता है कि मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। और ये इमोशनल सीन चल ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ सन्नाटा पसर जाता है जैसे कि कोई आंधी के आने की आहट हो। तभी डेविल आसमान की तरफ देखता है जो काले बादलों से ढक चुका था, और हम उसी समय देखते हैं उसी ली को जिसे उसी मिस्टीरियस गॉड ने लू सिटी की तरफ भेजा था। और अचानक वहाँ बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है जिसे देख फेरी डेविल से पूछ रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ डेविल फेरी को बताता है कि जरूर हेवनली रिल्म से कुछ होने वाला है, और तभी हमें खंजर की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वांग चिंग के लवर रैन ने उसी को खंजर मार दिया है। अब ये बहुत शॉकिंग है गाइस। अब वो जो रैन होता है ना ही कुछ बोल और सुन पाता है, और आहिस्ता से वो उसके कानों में कहता है कि ये जो लू सिटी है वो आखिर उसका ही था हमेशा से और उसका ही रहेगा। अब यहाँ जो वांग चिंग होती है वो उसे अभी प्यार से देखते हुए उसे पूछ रही होती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। अब ये देख के डेविल एंड फेरी दोनों शॉक रह जाते हैं। यहाँ डेविल फेरी से कहता है कि अब उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर ही आने वाली है, तो अब यही सही मोमेंट है, तुम बस इसके लिए तैयार रहना। आगे हम देखते हैं वांग चिंग की बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है, और डेविल उसे कैप्चर करते हुए फेरी से कहता है
कि तुम किसका इंतजार कर रही हो, जाओ उसकी बॉडी को कैप्चर करो। अब डेविल अपने बॉडी से फेरी के सोल को निकालता है और हम देखते हैं फेरी को वांग चिंग के बॉडी में प्रवेश करते हुए। आज हमारा ये एपिसोड यही होता है खत्म। साथ ही गाइज आप लोगों को ये आज के एपिसोड कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कर दो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।